यार मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी ये कैमरा मैंने 1.5 घंटे पहले सेट किया था, पर उसके बाद मेरे गार्ड भैया जो हैं वो भागते हुए आए एंड ही टोल्ड मी कि मेरी कार की बैटरी किसी ने चोरी कर ली और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आइसोलेशन में, पता नहीं क्या यार। सो एनीवेज वेलकम बैक टू दिस चैनल एवरीबॉडी। मुझे पता है मैं बहुत लेट लेट वीडियोस कर रहा हूँ क्योंकि अभी पूरे टुकड़े हुए हैं जिंदगी के और ये जो पीछे आवाज़ है ये आपको आती रहेगी। इस नेक्स्ट वाले वीडियो में यू विल गेट टू नो कि ये किसकी आवाज़ है। तो जैसा कि यू गाइज नो, मैं हूँ अभी आइसोलेशन में और मैं अपने आप को अच्छे से अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी क्योंकि जो हमारे रहीस भाई हैं ही इज़ हैंडलिंग ऑल द कॉल्स जितने भी होते हैं और बस थोड़ा सा यू नो ही इज़ गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग कॉल्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉल्स आ रहे हैं उनके पास, तो उनके बारे में बात करेंगे। सो बाय द वे आई एम ऑल गुड, मुझे फीवर नहीं है, मुझे मेरा गला ख़राब नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कुछ फील भी नहीं हो रहा है कि मैं बीमार हूँ, पर स्टिल दे आर कीपिंग मी, मतलब इट्स गुड। मुझे ज़्यादा और ज़्यादा यू नो आई हैव टू टेक केयर कि मैं और किसी को ना फैलाऊँ, ऑल दो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। तो यस एनीवेज, और मेरे रूम में एक नया मेहमान आ गया, मेरे सांप तो पहले थे ही, मैं मिलवाता हूँ आपको। तो आप लोगों को याद होगा बहुत बहुत वीडियोज़ के बाद सिम्बा इज़ कमिंग लाइक दिस। तो फाइनली ही इज़ ऑल्सो बींग माई मेट, मेरा आइसोलेशन का दोस्त। ये थोड़ा सा सैड था पता है, ये ऐसे ना दरवाजे के बाहर बैठ कर, क्योंकि मैं दरवाजे के बाहर नहीं जा रहा, अलाउड नहीं है मुझे, तो ये बाहर जाकर बैठ जाता है, और मतलब ऐसे बैठ जाता था, तो अब तो ये मेरे साथ ही रहता है अंदर एंड ही इज़ ऑल कूल। इसको वैक्सीनेशन भी लगा हुआ है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और ऐसे बहुत घंटों रह सकता है मेरे सामने ऐसे, तो बस यू कैन सी ऐसे गोदी में इसको मैं 2 घंटे भी रखूँगा तो ये बहुत आराम से रहेगा और ऐसे ही सो जाएगा। एवरीबॉडी इज़ गुड, मेरे सांप बढ़िया हैं। मैंने लास्ट वाला वीडियो फिल्म करने के बाद उनको मैंने खाना खिलाया था, तो अभी मैंने उनको टच भी नहीं किया है। और सबसे पहले आइसोलेशन से निकलने के बाद मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी कार के लिए बैटरी लेनी है या फिर किसी और को अभी बोल के बोलना पड़ेगा यार। तो इफ़ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग फौना फाउंडेशन, फौना फाउंडेशन है मेरा NGO, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि अभी वेबसाइट बनी नहीं है, बहुत जल्द बन जाएगी। अभी बहुत सारे, अभी आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर अ शेल्टर, और भी बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, तो उसके लिए आइसोलेशन का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है मेरे, और ये कोविड वाले सीन्स में है ये कम होना बहुत ज़रूरी है, सारा पेपर वर्क रुका हुआ है। तो ये वाला जो रेस्क्यू कॉल है, रहीस भाई ने मेरे को सरासर कॉल किया था, सब कुछ बताया था कि अब क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इसलिए नहीं कि ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन रहे, इसलिए कि ताकि मैं जलता रहूँ। उन्होंने बोला हाँ अब मुझे पपी भी दिख गया है और ऐसे ऐसे। तो एनीवेज CR की बात करते हैं, हम CR को हम लोग जानते हैं, इंडियन जैकल उसको इंग्लिश में बोलते हैं। CR बहुत अच्छे होते हैं गाँव में, पता नहीं क्या लोग बोलते हैं कि वो आके बच्चों को उठा के लेके चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत डरपोक होते हैं वो। तो कभी कभार क्या होता है कि जब उनके पपीज होते हैं बहुत सारे, तो वो इधर से उधर जब उनकी माँ लेकर जाती है तो एक दो पीछे छूट जाते हैं, और वो छूट जाते हैं या फिर कोई डरा देता है उनको माँ को, तो वो एक आधा बच्चा छोड़ के बेचारी भाग जाती है किसी तरीके से। ऐसा ही कुछ केस होगा, पर दिस पपी वॉज डाइंग 2 दिन से। मैं पपी बोल रहा हूँ, पिल्ला, क्योंकि CR का बच्चा है को भी हम पिल्ला बोलते हैं। स्ट्रेयर्स से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है CR को आज की दुनिया में, वो आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं, और जितना भी CR और जितना भी जैकल का खाना होता है वो स्ट्रे डॉग्स खा लेते हैं, और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे हेटरेड वाली, जिस पर मुझे बहुत हेटरेड मिलेगा, ऐसा मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर रिगार्डिंग दी स्ट्रे डॉग्स। मुझे कोई हेटरेड नहीं है, आई लव देम, मुझे पता है वो उनकी गलती नहीं है कि वो स्ट्रेयर्स हैं, पर दिस इज़ आवर टेस्ट नाउ, या तो साफ कर लो या फिर उसको और बढ़ावा दो। खैर एनीवेज, सो यस, ये ब्लॉगिंग की है। मिस्टर खान साहब हमारे जो रहीस खान जी हैं उन्होंने खुद पहली बार ब्लॉगिंग की है, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, क्योंकि वो खास तौर से सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, पर वो तो बहुत ही ज़्यादा थॉरली पढ़ते हैं, तो इफ़ यू वॉन्ट टॉक टू हिम कॉमेंट्स में कुछ भी लिखो, वो उसका रिप्लाई देंगे
तो यस एनीवेज लेट्स गो. ये रेस्क्यू इसलिए बहुत अच्छा है, मतलब एज इन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ा था हमें, क्योंकि वी डेंट हैव एनी अदर ऑप्शन. एनजीओस काम नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से अब हम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं. मैं भी बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे मैं हर किसी को डिस्टर्ब करते करते मैं हर किसी से पूछता रहता हूँ आज क्या हुआ, आज कौन से रिसर्च पे क्या स्टेप हुआ एंड ऑल. तो जैसा कि मैंने बताया कि आई एम डूइंग एवरीथिंग टू यू नो मेक माई सेल्फ फील बेटर. हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल. मैं रईस खान और ये अशरफ भाई. आकाश भाई की तबीयत खराब है, वो होम क्वारंटाइन में है, इसलिए वो आज हमारे साथ रेस्टिंग कॉल पे जा नहीं पा रहे हैं. रेस्टिंग कॉल्स आ रहे हैं और अभी हमें कॉल आया है एक रूरल एरिया से, और कॉल है जैकल के बेबी का. एक छोटा सा बेबी है जो जैकल का है. किसी को मिला होगा, उसने हमें कॉल किया. देन मैं अभी हमें अकेले ही जाना पड़ रहा है, आकाश भाई की तबीयत खराब है, इसलिए मैं जा रहा हूँ जैकल का बेबी रेस्क्यू करने के लिए. तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँ. मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं आकाश भाई अंदर से रह रहा हूँ क्वारंटाइन में, और मैं रेस्क्यू पे जा रहा हूँ, अकेले मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ रही है. बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आकाश भाई की तबीयत खराब है. तो गाइज, आप लोग भी घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अगर बाहर निकलते हैं डबल मास्क का यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ करिए. आस पास के जानवरों को अपना ख्याल रखिए. की जगह में आ गए हैं जहाँ की रोड का नामो निशान नहीं है. ये घर के पीछे और यहाँ से लेफ्ट दिखा रहा, आगे से वहां से लेफ्ट दिखाता तो हम जा नहीं पाते. वाह क्या रोड है, ये रोड है. वाह जो लोकेशन उसने भेजी है, इतनी ज़्यादा छोटी गलियां हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है. हमें पिछले 20 मिनट से हम इन्हीं गलियों में घूम रहे हैं, कहीं आगे से रास्ता बंद है, कहीं लोकेशन सही नहीं है, यही वाली चीज़ें चल रही है. वो भाई है जिन्होंने कॉल किया था. और ये जगह बिल्कुल गांव जहाँ रोड नहीं है. कब मिला था वैसे आपको? ये 3 दिन हो गए थे खेत में यहीं. तो 3 दिन में आपने कुछ खिलाने मिलाने की कोशिश करी थी? तो वैसे अगर आप 3 दिन पहले कॉल करते तो ज़्यादा अच्छा रहता ना. नहीं, हम सोच रहे थे कभी मतलब उसकी माँ अपने माँ के साथ आया होगा तो दोबारा चला जाओगे. अच्छा, वैसे आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? गूगल पे सर्च कर रहा. अच्छा, गूगल पे सर्च किया था. चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा काम किया भाई आपने. आज काम भी निकला भाई. भाई बहुत बहुत अच्छा काम कर दिया, किसी की जान बचा रहे हो यार, इससे ज़्यादा बढ़िया क्या काम हो सकता है. बाहर कोविड से लोग मर रहे हैं और तुम जान बचा रहे हो उस बीच भी, बहुत बढ़िया बात है ना ये. स्वीट, अरे कितना प्यारा सा है यार ये, कितना छोटू सा, कितना प्यारा, कितना छोटू सा ये. इसके टिक्स वगैरह भी लग रहे हैं. माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है इसकी. ये जैकल का बेबी है. यहाँ से खुलेगा.
ये रूडी सा एरिया है बिल्कुल खेत। कहाँ मिला था वैसे ये आपको? यहीं पे था इनमें, उस खेत के पास। चलो भाई आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, एक बार ना अपनी डिटेल बता। फाइनली हम रोड तक आ गए हैं बड़ी मुश्किल से, वो लोग हमें छोड़ने आए थे और अभी हम रोड पे हैं। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं इसे वाइल्ड लाइफ सेंटर ले जाने की, ताकि इसको ट्रीट करा जा सके। पहले तो हम कुछ देखेंगे कि क्या परेशानी है इसे, क्या दिक्कत है, देन उसके बाद हम इसे ले जाएंगे वाइल्ड लाइफ शेल्टर। ये यूपी का रेस्क्यू कॉल था, तो हम उस जगह आ गए जहाँ पे हमें रेंजर ने कॉल किया था कि यहाँ पर आ जाओ और जैकल हमारे हैंड ओवर कर दो। हम उसी जगह आ गए एग्जैक्ट। मैं कॉल करता हूँ रेंजर को दोबारा से कि हम इस तरफ आ गए। इसलिए एनिमल्स के लिए काफ़ी सारे एनजीओस काम कर रहे हैं, पर वाइल्ड लाइफ एक्चुअली में हमारा इंटरेस्ट वहाँ पर डिमांड है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट कि वाइल्ड लाइफ का भी ध्यान रखना है हमने, और हम अपने जी जान से काम कर रहे हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, प्लीज़ जेन्युइन होना चाहिए। अगर कोई जेन्युइन डाउट है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, एंड यस, सो दिस इज हाउ इट इज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अगर वीडियो अच्छा लगा है, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स अराउंड योर हाउस, योर पेरेंट्स, अपनी फैमिली का पूरा अच्छे से ध्यान रखिए। अगर किसी को किसी चीज़ की जरूरत है तो थोड़ी सी उसकी मदद कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।